भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी महाराष्ट्र में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले, महाराष्ट्र के एक देखा जाए तो राजनीतिक जो जिसको बोलते हैं राजनीति के एक पितामह, जिनकी जीत जिनकी जो मिसाल दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व जो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के मानुष की मुंबई के बारे में हमेशा इनकी चिंता रही है, सोचते रहे हैं, गरीब झोपड़े वासियों की इनकी हमेशा भीड़ होती रही, इनकी हम कई बार आपको ऑफिस के दफ्तरों में इनकी हुई तो हुई भीड़ को दिखाया है कि इनको 9 बजे से बैठते हैं तो रात को दोपहर 1 बजे 2 बजे तक इनको समय नहीं मिलता लोगों के दुख दर्द सुनने में। वो गरीब झोपड़ावासी साहब आपके पास आते हैं, बातें ये आती हैं कि जब गरीब झोपड़े बनाए गए, हम 95 की बात की पहले बात रहे, जब से प्रक्रिया चालू हुई लोग बना बना करके 30 साल से 20 साल से लोग रह रहे हैं, 45 साल से रह रहे हैं, उनके परिवार बढ़ गए, उनकी बहू बेटियां हो गई, वो ऊपर के मकान में रहने लगे, टैक्स भर रहे हैं, बीएमसी को सब कुछ दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अभी नए लोग जो आते हैं मकान कब्जा करके बनाते हैं, झोपड़े बनाते हैं, अब 2010 तक दे देंगे, फिर 2015 तक देंगे, तो अवैध झोपड़पट्टी बनती चली जाएगी, अवैध झोपड़पट्टी वालों को मकान मिलता जाएगा, और जो ऊपर रह रहे हैं क्या वो कोई गुनाह किए हुए हैं, उनको मकान नहीं मिलना चाहिए? देखिए विषय बहुत बड़ा है जी। देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 2022 तक सबके हक का पक्का घर मिलना चाहिए, मिलेगा जी। देश के अन्य अन्य राज्यों में अन्य अन्य जगह पर सरकार मदद कर रही है, 2.5 लाख रुपया डायरेक्ट सरकार अपने तौर पर दे रही है मदद जी प्रधानमंत्री, बहुत कम ब्याज में बाकी के पैसे देकर लोगों के घर बड़े पैमाने पे इन दिनों में बन रहे जी। मुंबई शहर का एक मसला अलग है कि मुंबई शहर में स्कैटर्ड घर तो हम बना नहीं सकते, मुंबई शहर में मल्टी स्टोरी कंसेप्ट आया हुआ है जी। और यहाँ पर भी महाराष्ट्र के सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके बारे में कायदा में संशोधन 2018 में किया है, एक्ट में हमने अमेंडमेंट किया है स्लम एक्ट में, राष्ट्रपति जी का उसके ऊपर सही होकर आज 1.25 साल हो गए आपकी जानकारी के लिए। ये विषय को लेकर मैं चल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को स्वयं मिला था क्योंकि मैं झोपड़पट्टी में अपने जीवन के 55 साल मैंने बिताए हैं, तो झोपड़पट्टी को मैंने बहुत करीब से देखा है और मैंने उनके ध्यान में इस बात को लाकर दिया। आप जो बात करते हो घर छोटा हो गया, लोग पहला माला बनाते हैं जी, परिवार के लोग उसमें रहते हैं जी, वो भी एक मुद्दा अपने जगह पर सही है लेकिन मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसका नहीं लड़ रहा हूँ जी। एक ही परिवार के लोग नीचे भी रहते हैं ऊपर भी रहते हैं तो उनको 2 घर मिलना चाहिए, वो लड़ाई मेरी आज की नहीं है जी। मेरी लड़ाई जो है, जो बरसों से प्राइवेट लैंड पर जमीन मालिक ने चाली बनाया जी, ऊपर का माला बनाया जी, बेचा उसने हाँ, लेने वाले ने लिया, और म्युनिसिपैलिटी को असेसमेंट टैक्स भर रहे जी, जी, बरसों से रह रहे जी, जी, और अभी जो हमारे अधिकारियों ने कायदा बनाया, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए, कायदा में अमेंडमेंट करो जी, जी, अब ये कायदे के भाषा इस तरह से बना देते हैं और उसमें लिखा गया कि भाई 2011 तक के लोग को सशुल्क हम जगह देंगे, यानी उनको पेमेंट लेकर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेंगे और उनको जगह देंगे, लेकिन जो प्राइवेट लैंड पर पहले माले पे अलग एक ही परिवार का 2 व्यक्ति नहीं अलग-अलग व्यक्ति उसको हम घर नहीं देंगे, उसको कहते हैं कि ऑफिसर कहते हैं कि हम पीएमआई प्रधानमंत्री आवास योजना में देंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना तो ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल, उसमें कोई भी ले सकता है, तो यहाँ पर जो खुद के घर में बैठा हुआ है खरीदा है उसको आप बेघर घर करोगे और उसको आप मुंबई के बाहर भेजोगे जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम तो MMR रीजन में बनेगा, मुंबई शहर में तो जगह नहीं है, आप वहाँ पर भेजोगे उसको। ये मैंने कहा ऑफिसरों को कि सरासर गलत है अन्याय है, किसी एक को घर देने के लिए किसी एक को एक का घर उजाड़ना, ये कौन से कायदे जो नए मकान बने हाँ, जो नए मकान बने हाँ, 2010 में बने तो वो मिल रहा है, ये सरासर गलत है। अब सरकारी अधिकारी नहीं मानते हैं तो मेरा जो इतने साल का अनुभव है उसको लेकर मैं कोर्ट में विधानसभा में साहब आपके विधायक तक नहीं बोले, ये तो देखिए आपके विधायक एक आवाज़ नहीं बोले, क्या उन मतदाताओं का वोट उनको नहीं चाहिए? जब वोट लेने जाते हैं वही मकान खरीद के उनका मतदाता में सूची में नाम है तो वोट उनका मान्य है लेकिन उनके मकान मान्य नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए किसी विधायक ने नहीं बोला इसलिए मैं तो चुप नहीं रहूँगा ना, मुझे मेरा काम करना है, मेरे ऊपर लोगों की श्रद्धा है, गोपाल शेट्टी करेंगे ये लोगों का विश्वास जी। मैंने जो गवर्नमेंट के पेपर पढ़े हैं, इन्होंने 2011 का जो 2011 का क्यों किया, 12 का क्यों नहीं किया, 13 का क्यों नहीं किया, तो 2011 का करने के पीछे एक मकसद ये था कि 2011 में सेंसस हुआ था देश का, नागरिकों का सेंसस हुआ जी। अब 2011 के सेंसर में आपने पहले माले पे रहता उसका भी सेंसर किया, सेंसर कोई घर का नहीं होता है, व्यक्तियों का होता है, तो वो सेंसर में इनका नाम है। आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पुस्तिका छापा है लोकराज्य नाम का, उसमें कहा है कि हम 11 लाख लोगों को ये स्कीम
स्कीम के वजह से लाभ होने वाला है, तो बोला गया वक्त लाभ होने वाला, तो उनके नाम भी है। तो ये सारे बातों को लेकर मैं, मुझे विश्वास है कि मैं कोर्ट में भी जाकर इन लोगों को न्याय दिलाने का कोशिश करूंगा। आप ये सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे? देखिए, बात को आपने भूल जाना चाहिए कि सरकार के खिलाफ कोई होता है, आप जनता के हित में जा रहे हैं। जनता के हित में जाना, अब ये सरकारी अधिकारी अगर नहीं मानेंगे तो फिर लोकशाही का ये भी जो भाग है ना, सत्ता है। सरकार कोर्ट में जाना ये पाप है, ऐसा मानते हो? पाप नहीं है, लेकिन सत्ता आपकी है, अधिकारी नहीं। जो चिदंबरम की आपने बात कही अभी, जिसने लाखों करोड़ों रुपए का घपला किया, वो आदमी कोर्ट में जा सकता है अन्याय करने वाला, और मैं न्याय लोगों को न्याय देने के लिए कोर्ट में नहीं जाऊं। ये मीडिया का कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा माइंडसेट आप लोगों का? नहीं, लेकिन लोगों के मन में आता है कि देखिए, आपने कहना चाहिए कि मैं भी जाऊंगा कोर्ट में करके, आप भी मेरे साथ में जुड़ जाइए। लेकिन बात साफ आती है कि गरीबों के हित में आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, सत्ता में आप बैठे हुए हैं, आपकी सत्ता महाराष्ट्र में है, सत्ता के जो बैठे हुए लोग, वो क्या अधिकारी लोगों को इंटीमेट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, जिसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी नहीं पड़े, कोर्ट में लंबा बात? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कोर्ट में इसलिए भी जाने वाला हूँ कि ये कायदे में अमेंडमेंट करके सवा साल हो गए जी, सवा साल जी कायदे में अमेंडमेंट क्यों किया? क्या एसआरए का स्कीम प्रोजेक्ट बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है, सारे रुकावट आ रहे हैं, सब पात्र नहीं हो रहे जी, तो स्कीम आगे बढ़ता नहीं जी, स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए कायदे में अमेंडमेंट किया, एक्ट में अमेंडमेंट किया जी, और एक्ट में अमेंडमेंट करके आज सवा साल हो गए, एक रुपए का काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो मैं चुपचाप बैठू? नहीं, नहीं बैठना चाहिए। और एक बार लोगों को जाकर कहूँ कि मुझे आप वोट दीजिए? नहीं, बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल, आपको इतने भारी मतों से लोगों ने जिताया, जिताया तो मैंने लोगों का काम करना चाहिए ना। तो काम करने के लिए जो प्रोसेस था, वो सारा प्रोसेस मैंने आज 2 साल प्रयास किया एक्ट बदले होने के लिए। अब 2 साल के प्रयास के बाद में भी कुछ वर्डिंग इस प्रकार का लिखते हैं, एक्ट में लिखा है कि अनप्रोटेक्टेड लोगों को भी घर दिया जाए। अब ये बोलते हैं कि घर दे रहे, हम कहाँ दे रहे? एमएमआर रीजन में दे रहे, सशुल्क दे रहे, यानी उसका पेमेंट भरकर देने का। अरे वो पेमेंट भरकर तो कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, तो उसके लिए कोई एक्ट बनाने की जरूरत है क्या? मैंने संजीव कुमार नाम के जो हाउसिंग सेक्रेटरी है, आईएएस ऑफिसर है, वो उनको मैंने कहा कि संजीव कुमार जी, किसी को घर पैसा देकर लेने के लिए कायदा बनाने की आवश्यकता पड़ती है क्या? आपके जेब में पैसा, आप जाकर खरीद घर से लो, उसके लिए कौन सी कानून? तो कोई भी आपके प्रधानमंत्री आवास कोई भी ले सकता है। लेकिन जिनका अधिकार है, जिन्होंने मकान खरीदा है 10 साल 15 साल 20 साल पहले, देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, आज का वर्तमान पत्र पढ़ेंगे तो आज भी 20-25 ऑफिसर जो भ्रष्टाचार और एनकेएन प्रकरण में पड़े थे, उनको रिटायरमेंट लेने के लिए कह दिया मोदी जी ने। इसके पहले 2 बार 12 और 15 ऐसे लोगों को कहा गया। अब ये महाराष्ट्र में भी आना पड़ेगा हमको। महाराष्ट्र में आने के लिए आप जैसे मीडिया के लोगों ने 4 ऑफिसरों का मुद्दा उजागर करना चाहिए, मेरे जैसे सांसदों ने उजागर करना चाहिए, विधायकों ने उजागर करना चाहिए। देखिए, सरकार सरकार करके सरकार नाम का एक जो व्यवस्था है उसके ऊपर ठिकरा फोड़कर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। आप सरकार के ध्यान में मुद्दा ला कर दीजिए, सरकार अगर उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं करती है तो फिर आप सरकार को बोलिए। बिल्कुल।